इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द हिस्टमिन मोलिक्यूल एंड इट्स क्लिनिकल यूज एडवर्स इफेक्ट्स एंड काउंटर एंडिकेशन मतलब उनकी रीजन के साथ हम उसको स्टडी करेंगे ताकि इट बिकम्स ईजी फॉर एस सो अब हिस्टामिन मोलिक्यूल है वो क्या है बॉडी उसका रोल क्या है एलर्जी करवा रहा है बॉडी में रेडनेस करवा रहा है स्वेलिंग सो so, इस तरह का वो रोल है उसका और मतलब बॉडी में वो फिर वो यूज़ नहीं हो सकता एज अ ड्रग उसका यूज़ जो है वो बहुत कम है मोस्टली हमारे पास जो हाइपर सेंसिटिविटी को चेक करने की है या टेस्टिंग के लिए लेबॉोट्री टेस्टिंग के लिए हमारे पास यूज़ हो रहा है तो क्लिनिकल यूजेस क्या होते हैं सिर्फ एक यूज है कि पलमरी फंक्शन टेस्टिंग हमने पर्मनरी फंक्शन टेस्ट करना है किसी बंदे का तो हम उसको हिस्टामिन चेक करेंगे क्योंकि हिस्टामिन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट है तो इसीलिए हमारे पास पर्मनरी फंक्शन टेस्टिंग के लिए लैब्स में टेस्ट करने के लिए हिस्टामिन का मॉलिकल यूज़ होता है तो हिस्टामिन एरोसोल इज यूज यूज एज अ प्रोएक्टिव टेस्ट ऑफ ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी कि अगर हाइपर रिएक्टिविटी है बंदे को तो हमारे पास जो बंदा है दैट ही विल बिकम सेंसिटिव तो ये बड़ा मॉनिटर कर करके हमें टेस्ट परफॉर्म कर, करना पड़ता है अब टॉक्सिसिटी की बात करूँ एडवर्स इफेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और उनकी रीजंस भी साथ बने लिखी हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लशिंग फ्लशिंग किसको कहते हैं इट्स जस्ट वेजो डाइलेशन इन द स्किन जिसकी वजह से हमारे पास स्वेट ज्यादा एक्सक्रीट होता है स्वेट स्वेटिंग ज़्यादा होती है बंदे को तो उसको हम कहते हैं फ्लशिंग की स्टेट है हमारे पास फ्लशिंग क्यों हो रही है क्योंकि वेजोडाइलेशन है वेजो डायलेशन किस वजह से थी स्मूथ मसल्स जब स्मूथ uh, मसल्स की बात नहीं कर रहा जब हमारे पास वेसल्स पे वेसल्स का इफेक्ट क्या था वैसल्स के पे हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है हिस्टेमिन का मॉलिक्यूल आया वेसल की वॉल पे एक्ट, एक्ट किया वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ स्ट्रॉग वेज डायलेटर उसने डायलेट की हमारे पास वेसल को डायलेशन से फ्लूड रिलीज हुआ फ्लूड रिलीज होके मतलब स्वेट बना स्वेट फिर बॉडी से रिलीज होना शुरू हो गया सिक्रीट होना शुरू हो गया तो उसको हम कहते हैं फ्लैशिंग की स्टेट आ गई और अब एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमने एद, हमारे पास एडवर्स वेजो हुई मतलब हमने हमारे पास हिस्टामिन के लेवल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गए तो हिस्टामिन ने बहुत ज्यादा वेजो डायलेशन करवा दी और बहुत वेजो डायलेशन की वजह से हमारे पास फ्लूड जो है वो ज्यादा एक्सक्रीट होना शुरू हो गया तो एज ए रिजल्ट हमारे पास फ्लशिंग का फ्लशिंग की स्टेट डेवलप हो गई हाइपरटेंशन हिस्टामिन ने ज्यादा एक प्रोनाउंस्ड एक्स्ट्रा हमारे पास वेजो इफेक्ट दिया सेम उसी की रीज़न की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ उस वेजो डायलेटरी एफेक्ट की वजह से हमारे पास जो है आर्टीरियोल्स आर्टरीज ने बहुत ज्यादा वेजो वो ज़्यादा डायलेट हो गए एज अ रिजल्ट हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा लो चला गया एंड इट विल लीड टू हाईपोटेंशन ये सिर्फ हिस्टामिन के लेवल्स के ज्यादा होने की वजह से हुआ है टैकी कार्डिया क्यों हो रहा है हिस्टामिन की टॉक्सिसिटी है लेवल्स ज्यादा हुए हैं उसने फिर कार्डियक पे कार्डियक मतलब हार्ट पे जाकर इफेक्ट किया क्योंकि हार्ट पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे कौन से एच टू रिसेप्टर थे और उसका डायरेक्ट इफेक्ट था स्टिमुलेटरी इफेक्ट था वो अब हार्ट रेट को इंक्रीज करवाया था पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिज्म पॉजिटिव आइनोट्रॉपिज्म अगर हम याद करें तो सो so, वो उसकी वजह से एक्सेसिव डोज की वजह से हमारे पास एक्सेसिव इफेक्ट आया तो टेकी कार्डिया की तरफ स्टेट चली गई अब हैडेक क्यों हो रहा है सीनियस इफेक्ट्स की वजह से ज़्यादा हिस्टामिन लेवल्स हो गए बॉडी में तो आ, मतलब ब्रेन में सी एन एस अफेक्ट्स आए हमारे पास रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए और हमारे पास फिर हेड एक का स्टेट जो है वो डेवलप हो गई उसके बाद ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन सिंपली कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों हो रही थी स्मूथ मसल के इफेक्ट की वजह से स्मूथ मसल एच वन मीडिएटेड था सो so, एच वन मीडिएटेड स्मूथ मसल जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे कॉन्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि वो एच वन जो है वो स्टिमुलेशन करवा रहा था कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था स्मूथ मसल्स की तो ऐसा रहता था ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का अफेक्ट हमारे पास आएगा उसके बाद हमारे पास जी आई टी बिकॉज जी आई डिस्टमजन मतलब अल्सर्स क्रिएट हो रहे हैं क्यों क्योंकि एच टू को अगर हम याद करें एच टू की वजह से हमारे पास पेप्सिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा था उसके साथ साथ गैस्ट्रिक एसिड भी तो वो जो है वो फिर अप, हमारे जी आई टी की वॉल्स को ना डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है तो उस डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास अल्सर्स बनते हैं और फिर वो प्रोग्रेस कर सकते हैं सो so, टॉक्सिसिटी की वजह से हमारे हिस्टमिन की टॉक्सिसिटी की वजह से हमारे पास ये इफेक्ट्स आ सकते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर मैं बात करूँ सो काउंटर इंडिकेशन एक तो यहाँ से पता चलेगा कि जी आई डिस्टर्ब जी आई की कोई डिजीज़ हो सकती है तो उसमें हम उसको नहीं देंगे क्योंकि अल्सर ज़्यादा बन सकते हैं तो यही लिखा हुआ है जी आई टी अल्सर्स और हेमरिजिक पेशेंट कि किसी बंदे को जी आई टी में ब्लीडिंग हो रही है या उसकी अल्सर बना हुआ है उसके पेट में तो हम उसको नहीं देंगे हिस्टामिन के तुम हिस्टामिन की जगह कोई और मॉलिक्यूल यूज़ करो क्यों क्योंकि हिस्टामिन इट अल्सर कॉज कर रहा है तो उस फिर हम उसको नहीं देंगे कहता है सिक्रीशंस जो है वो कम से कम रहे क्योंकि हिस्टामिन uh, देने के देर इज विल बी इंक्रीज सिक्रीशन और वो हम नहीं चाहते कॉन्ट्रा इंडिकेट फॉर अब क्यों एक बंदा एस्तम है उसका ब्रोंकाया ब्रोंकी वो पहले ही कॉन्स्ट्रिक्टेड है उसमें म्यूकस जमा हुआ है उसको पहले ही सांस लेने में मुश्किल हो रहा है तो हम अगर हिस्टामिन दे दिया हिस्टामिन ने जाके स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवानी है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और ज़्यादा करवा, करवा देनी है तो उस बंदे का अगर ट्रैक ये बंद हो गया तो वो बंदा तो गया तो इसीलिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि जिस बंदे का एस्तम है उसको हम नहीं देंगे ये हिस्टामिन क्योंकि वो फिर और ज्यादा ब्रोंको का करवाएगा सो दैट इज इट अबाउट द क्लिनिकल यूजेज एडवर्स इफ़ेक्ट्स एंड कॉन्ट्राइंडेशन ऑफ द हिस्टमिन मॉलिक्यूल